बट एक काम ठीक से नहीं होता इस इंसान से। कुछ नहीं है, चलो। अरे रुको 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 रुको। थैंक गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी का भाग्य बहुत तेज है। राजेश भाई, जो आप आज बच गए, हम सब बच गए दक्कू भाई। और ये क्या हर्षद भाई, ये जो भी हुआ वो आपको लगता है अच्छा हुआ? अभी छोड़ो ना राजेश भाई, सब बच गए ना अभी। कमाल है हर्षद भाई, आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो ये सब? अगर हमारा बस चलता ना, हम आपको सबके सामने ह्यूमिलेट कर, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। और हमारे बीच दोस्ती है इसीलिए नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे सिटीजन बन जाओ। इस देश को चलाने में ना हर्षद भाई करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, तो भी हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जब सुविधा नहीं मिलती तब हम शोर भी मचाएं। ये क्या बात हुई? सेकंडली बच्चे इन्वॉल्व हो गए इसमें, बच्चे। दिस इज डिस्गस्टिंग हर्षद भाई। आप तो सीरियस हो गए राजेश भाई। ठीक है ना, अभी चलता है अभी उस पे। मतलब आपको अभी भी बात समझ में आ नहीं रही है? हा? चलता है, ये जो आपका चलता है वाला एटीट्यूड है ना, इसे पता है हमारे बच्चों पर क्या असर होगा? सोचा है उसके बारे में कभी? हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। ये शिक्षा दे रहे हैं हम आने वाली जनरेशन को कि टैक्स का पैसा मत दो गवर्नमेंट को, है ना, देश के डेवलपमेंट का हिस्सा मत बनो, ये शिक्षा देंगे हम। यस राजेश भाई, बच्चे हमें इस पंटर जैसा समझने लग गए हैं। ए, क्या पंटर पंटर लगा के रखा है? सारे लोग ऐसे ही करते हैं सभी। कौन कौन टैक्स भरता है बताओ ना हमारे को? सिस्टम में ही लूप बोले तो उसमें मेरी की गलती नहीं? नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती हम सब की है, लेकिन अगर आपको सिस्टम में लूप होल दिखता है तो उसे सुधारो ना हर्षद भाई, उस लूप होल का फायदा मत उठाओ। यस पंटर, देख मैं राजेश भाई की बात से कभी सहमत नहीं होता हूँ, पर आज राजेश भाई की बात से एकदम सहमत हूँ। मैं ना, ये गिल्ट हमें हमेशा रहेगा कि एक गैर कानूनी अपराध में हम हिस्सेदार बने और एक टैक्स चोरी करने वाले का साथ दिया। मेरे सुधर जाने से हमारा देश अमेरिका थोड़ी बन जाएगा? अमेरिका नहीं, हमारे देश में ना बहुत पोटेंशियल है नंबर वन बनने का, लेकिन हम नहीं बन सकते क्योंकि आप जैसे सोच वालों ने ना हमारे देश के डेवलपमेंट को रोक रखा है। अरे दूसरों की ईमानदारी की चिंता छोड़िए हर्षद भाई, अगर हर इंसान अपनी ईमानदारी के बारे में भी सोचने लगेगा ना, तो भी इस देश का भला होगा। कितने सारे अवसर, कितने सारे संसाधन दिए हैं हमें पैसे कमाने के इस देश ने। अगर ये देश आपको, मुझे, हम सबको पैसे कमाने के संसाधन देता है, अवसर देता है, तो क्या हमारे कमाए हुए पैसों का एक छोटा सा हिस्सा हम देश को नहीं दे सकते? अच्छा भाई, हम सब सक्षम हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो पिछड़े हुए हैं। ये जो टैक्स का पैसा जमा होता है, ये उन लोगों के कल्याण के लिए खर्च होता है। और आजकल आप अपनी आमदनी बराबर दर्ज करो तो टैक्स रिफंड भी फटाफट मिलता है। जितनी टैक्स लायबिलिटी उतना ही आपको देना पड़ता है। लेकिन नहीं, हम फिर भी हेरा फेरी करेंगे। सॉरी सॉरी राजेश भाई, समझ गया मैं, बरोबर समझ गया राजेश भाई। नहीं, अगर नहीं समझे ना, तो हमारे पास आपको समझाने का दूसरा रास्ता भी है, वो अपनाना पड़ेगा हमें। कौन सा रास्ता? पंटर, अगली बार हमसे मदद की उम्मीद मत करना, वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसे नसीहत मत समझिए हर्षद भाई, इसे वार्निंग समझिए। बरोबर समझ गया मैं,
हमारे से गलती हो गई है और मैं वादा करता हूं कि ये जो काली कमाई का पैसा है ना, इसे मैं लोगों की भलाई के लिए खर्च करूंगा, प्रॉमिस पक्का। और आगे से बराबर टैक्स भरूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। तो वजन लग रहा है, मैं जाता हूं। किशोरी, अगर किसी ने घर देखा ना तो समझ में आएगा क्या दस बारह बच्चे आके गए यहाँ पे, क्या हालत बनाई हमने घर की। अरे वाह, दोनों सहेलियों का नाइट आउट तो धमाकेदार चल रहा है भाई, क्या रही ऑन गर्ल्स। अरे रुको रुको, जा कहाँ रहे हो, यहाँ यहाँ एक चीज दिखानी। बोलो। ये देखिए किशोरी ने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है, हमारी स्कूल की बचपन की तस्वीर। अरे वाह, ये तो गोल्डन मेमोरी है। थैंक यू किशोरी, मैं तुम दोनों के इस फोटोग्राफ को अपने यादों के खजाने में संभाल कर रखूंगा। अरे ये गन्ना कहाँ से है? हाँ पता है, ये ना लोनन, ये ले, ये लोनन गई थी ना लोनन, तो आते वक्त उसके खेत से गन्ना लेके आई है। हमारी ना बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है इस गन्ने से। हम लोग स्कूल से घर जाते थे ना, तो घर जाते वक्त ना ये ऐसे छील छील के ना रास्ते में खाते खाते घर जाते थे। मैं भी छील छील के खाऊंगा, मुझे भी दूर है। हेलो श्रीनिवास भाऊ, मैंने आपके लिए ये लाया है सरप्राइज, वो चिवड़ा और भाकरवड़ी। अरे वाह, बालकृष्ण अन्ना गोखले के दुकान से ये भाकरवड़ी और चिवड़ा। हाँ थैंक यू। कमाले, तू अन्ना के दुकान से ये सारा लेके आई? नहीं, मैं पुणे गई थी ना, तो उन्होंने तेरे लिए भी एक्स्ट्रा पैकेट दिया है, ये देख। किशोरी तूने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, आपको ना एक सीक्रेट बता रहा था। क्या? अन्ना का रिश्ता इसके साथ होने वाला था। क्या? किशोरी का रिश्ता अन्ना से होने वाला था? फिर अन्ना कैसे बच गया? अन्ना ने ना कर दिया क्या? नहीं नहीं, मेरे आजूबा ने पहले ही रिश्ता फिक्स कर दिया था। ओ। क्या है ना, अगर ये रिश्ता होता ना तो फिर हम सहेलियां नहीं रिश्तेदार होती, है कि नहीं? चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। किशोरी थैंक यू, आज तो तुम नाइट आउट में सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रही हो। सही कह रहे आप। किशोरी तूने ना सच में मुझे ना चौका। अरे ये मोरपंख की बूटी ये पॉलिश की है, अच्छी है ना? नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन ये बूटी मेरी है। अरे तू क्या बात कर रही है, तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना, ये बूटी मेरी है। नहीं नहीं ये मेरी बूटी है, आपको याद है हमारी 40वीं एनिवर्सरी थी तो आपने ये मोरपंख वाली बूटी मुझे दी थी। हाँ, राधिका की ये बात तो सही है। हाँ क्या सही है? अरे नहीं नहीं, एक महीने से मैं ये ढूंढ रही हूँ ये बूटी। एक महीने से तू ढूंढ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बूटी तुम्हारी है, ये बूटी मेरी है और मैं किसी को नहीं दूंगी। किशोरी देख, ये बूटी मेरी है। ये बूटी मेरी है किशोरी, ये बूटी मेरी है, मेरी बूटी है। राजू सुन रहा है तू? क्या हुआ? हेलो तू बेटा नीचे आ जा, तेरी मार किशोरी बाती में झगड़ा हो रहा है जबरदस्त। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। बंधु वो नीचे किशोरी मौसी और मम्मी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, बुला रहे चलो। 2:15 बजे क्या बच्चों की तरह लड़ रहे? अरे तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। मैंने बचपन से देखा है, आग लगने तुझे तोड़ना। अरे कतली मार दो, तू सुन कर। अरे क्या रे बाबा, बच्चा तू दे रहा है, तू मेरे को बिल्कुल मत बोल। सब मुझे मालूम है, अरे तू मैं मेरे तोड़े झूठ। अरे यार मैंने कुछ भी नहीं झूठ बोला, कुछ भी नहीं। अरे एक मिनट,
आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? अरे मुझे क्या पूछ रहे है? पूछ रहे, ये तेरी माँ। सॉरी मौसी। उससे वो झगड़ा कर रही है मेरे से, उसको पूछ। माँ हुआ क्या है? बंधु ये चोर है ना किशोरी, इसने मेरे कान की बूटी चुराई है। ए, खबरदार अगर तूने मुझे चोर कहा तो। अरे ये बूटी मेरी है, झूठ बोल रही है। मैं तेरे से जिंदगी में कभी बात नहीं करूँ, अगले जाने में भी बात नहीं करूंगी तुझसे। अरे जा रे जा, एक नंबर की झूठी। तू चार नंबर की झूठी है, तू पांच नंबर की झूठी है। अरे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इनकी गिनती तो बढ़ती जा रही है। इनका झगड़ा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 200-300 नंबर पर भी नहीं रुकेंगे ये लोग। तुझे पता नहीं ये बचपन से झूठी है। अरे तू पैदाइशी झूठी है, तू झूठी है। तूने मेरी कार की बूटी चुराई है। नहीं ये बूटी मेरी है और डिजाइन भी मेरा है। ये डिजाइन भी मेरा है और कार की बूटी भी मेरी। तुझे कभी नाइट आउट के लिए नहीं बुलाऊंगी। अरे जा रे जा जा। अरे नाइट आउट क्या, मैं तुझे डे आउट के लिए भी नहीं बुलाऊंगी। भगवान अच्छा हुआ मेरे अन्ना के साथ इसका रिश्ता नहीं हुआ। अरे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तू मेरी ननन नहीं बनी। अन्ना मामा को क्यों बीच में घसीट रही है? मैं सब समझाता हूँ, पहले तू ये सुनामी बंद करवा। अरे चल बेकार से मेरे साथ बात मत कर। अरे भाई For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.